नमस्कार, खबर राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। जयपुर में संक्रांति पर बीजेपी पतंगों के जरिए आमजन को करेगी सीए के लिए जागरूक। मौद्रान रेलवे स्टेशन पर शराबियों का आतंक, यात्री परेशान। टिड्डी से नष्ट हुई फसलों को लेकर सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी अपने जन जागरण अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आम जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पार्टी हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। इन्हीं कोशिशों के तहत अब बीजेपी त्योहारों पर भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अपनी बात घर घर तक इसकी पहुंचाने की कवायद में जुट गई। मकर संक्रांति पर्व पर बीजेपी जयपुर शहर के करीबन 5000 घरों से पतंगों के जरिए नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जानकारी देंगे और जागरूक करेंगे। राजधानी जयपुर में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जयपुर से संक्रांति से करीब 10 से 15 दिन पहले ही पतंगें उड़ना शुरू हो जाती है। मकर संक्रांति पर करीब करीब तमाम घरों में लोग छतों पर जमा होते हैं, लिहाजा भी बीजेपी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मकर संक्रांति से पूर्व 12 जनवरी से 14 जनवरी तक जयपुर शहर में 5000 घरों से पतंगों के जरिए सीए के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा 13 जनवरी को लोहड़ी के अवसर पर जयपुर शहर में 100 से अधिक स्थानों पर विभिन्न विकास समितियों के माध्यम से नागरिकता संशोधन अधिनियम के संदर्भ में पोस्टर बैनर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। खबर सोजत से। जहां स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय संख्या 4 में शिक्षा विभाग व महिला व बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सोजत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय संख्या 4 में शिक्षा विभाग व महिला व बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर में सोजत उपखंड की लगभग 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व प्राथमिकता स्तर के मॉनिटर अध्यापकों ने भाग लिया, जिन्हें आंगनबाड़ी संचालन के दौरान होने वाली गतिविधियां व पूर्व प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा को बेहतर व गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी व प्राथमिक स्तर पर तक की शिक्षा के दौरान आने वाली विभिन्न परेशानियों पर भी चर्चा कर उनका निवारण के लिए विचार विमर्श किया गया। वहीं आंगनबाड़ी में सबसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने व समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जाँच के लिए भी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया। तो खबर जोधपुर से, जहां मंडल के समधड़ी भिलड़ी रेल मार्ग के मोधरान रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को बीकानेर से दादर जा रही ट्रेन में राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल काम प्रकाश को जोधपुर से रानीवाड़ा जाते समय मोधरान रेलवे स्टेशन पर एक शराबी महिला यात्री को गाली गलौज करने पर पुलिस कांस्टेबल ने महिला यात्री का बचाव किया तो उक्त शराबी ने कांस्टेबल की वर्दी खींचकर नीचे उतारा। बाद में कांस्टेबल का जरूरी कागजात व बैग ट्रेन में चल जाने पर मारवाड़ भीनमाल रेलवे स्टेशन पर कॉल कर नीचे उतारा। इस प्रकार मोधरान रेलवे स्टेशन पर शराबी लोग रेलवे स्टेशन परिसर में शराब पीकर यात्रियों के साथ बदतमीजी व गाली गलौज करते रहते हैं। आपको ज्ञात रहे कि मोधरान रेलवे पर जर्जर व क्षतिग्रस्त पड़े रेलवे क्वार्टरों में हमेशा शराबियों का आतंक रहता है। यहाँ पर रेलवे कॉलोनी में पास रेलवे स्टेशन पर शराबी लोग शराब पीते रहते हैं, लेकिन रेलवे जर्जर क्वार्टरों को काफी लंबे समय से नहीं हटा रही, जिससे दिन रात ग्रामीण लघु शंका पेशाब व कचरा फेंककर गंदगी करते हैं। मतलब एक महिला बैठी थी, उसके साथ वही छेड़खानी करने लगा। तो उस टाइम क्या किया मैंने, उसको भाई हाथ पकड़े, मैंने कहा यार तू औरत के साथ में ये बदतमीजी वगैरह। तो उस टाइम तो मतलब मेरे को कॉलर पकड़ के नीचे उतार दिया। ट्रेन जा रही थी उसने, मतलब मेरे को ट्रेन में बैठने नहीं दिया। तो मेरे मतलब हाईकोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे, तो उसको मतलब वो ट्रेन में निकल गया। मेरे को उसको मतलब उतारने के लिए आगे कोई है नहीं मेरे जान पहचान का, तो मतलब उसको मैं यहाँ लेके आया। शौकी पे बात की, उन्होंने बताया कि मैं अकेला हूँ शौकी पे। शौकी सर वो अकेला था, वो आ नहीं पाया। तो जालौर जिले में पिछले कई दिनों से टिड्डियों ने किसानों की फसल नुकसान पहुंचाकर तहस नहस कर रखा है। कई दिनों से क्षेत्र में टिड्डी दल के प्रकोप के चलते जिले भर सहित सायला उपखंड में भारी नुकसान हुआ। जिले के सायला उपखंड के अधिकांश गांवों में किसानों की फसलें टिड्डी ने चटकर बर्बाद कर नष्ट कर लिया। ऐसे में फसल नष्ट होने के बाद सरकार से उचित मुआवजा दिलवाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को भारतीय किसान संघ शाखा सायला द्वारा उप तहसीलदार जीवाणा को टिड्डी से फसलों से हुए नुकसान को लेकर सरकार से उचित राहत दिलाने की मांग की गई।
किसानों ने बताया कि क्षेत्र के अधिकांश गांवों में टिड्डी से फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिसमें जीरा, इसबगोल, रायडा, गेहूं जैसी फसलें शत प्रतिशत नुकसान हुआ है। जीरा इसे छोटा अनाज था वो तो एकदम खत्म कर दिया है। इसलिए हम सब एकत्रित हुए और यहाँ पे आए, आके यहाँ तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है और गवर्नमेंट और प्रशासन द्वारा हमने कहा है कि जो हमारे तरफ से जो जितना हो इतनी हेल्प करे, और प्रशासन को हमने कहा है कि भाई वो हमारा मुआवजा या इनको कंपनी द्वारा डायरेक्ट सर्वे की जाए और गिरदावरी तुरंत की जाए, और प्रशासन से ही हमने विनती की है। टीडी का नुकसान भयंकर ज्यादा है और जीरा में, इसमें, गांव में, इसमें तो बहुत सी ज्यादा है, ठीक है, पूरा नष्ट है। इस हिसाब से हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा है और सब किसान संघ एक बार साथ में है और आप हमारी सुनवाई करावे। सरकार से हमारे मांग ये है सर, हमारे टीडी का पड़ाव था दो, एक तारीख या दो तारीख के अंदर पूरी पूरी खेती नष्ट कर दी सर, एक ही जीरो, इसब, रायडा, कुछ नहीं छोड़ा है हमको। तो खबर हनुमानगढ़ से, जहां भादरा पुलिस थाना क्षेत्र के रामगढ़िया गांव की निवासी सुमन पत्नी ओम प्रकाश मंगलवार सुबह गंगापुरा रोड भादरा के नजदीक बनी जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़ गई। सुमन की मांग है कि उसकी पुत्री और पुत्र जो कि उसकी ननन के पास रहते हैं वह दिलाए जाए। सुमन 2015 में रामगढ़िया गांव की एक विवाहिता के भगाने में साजिश और बलात्कार के आरोप से सह आरोपी थी और इसी को लेकर वर्षों से वह जेल में थी। जेल में से जमानत पर वापस आने के बाद वह अपने गांव रामगढ़िया गई। मालूम हुआ कि उसके बच्चे उसके ननन के पास तेलन कुतियावाली में है। वहीं सुमन के दोनों पुत्र पुत्री भी उनके पास आने को तैयार नहीं और इसी मांग को लेकर वह जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़ी हुई है। मौके पर भादरा पुलिस थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझरिया और तहसीलदार जीतू सिंह मीणा मौके पर पहुंचे और महिला को समझाइश का प्रयास भी जारी है। हरियाणा के सुकुल मंदोरी निवासी सुमन का पति ओम प्रकाश बंगलोर में प्राइवेट नौकरी करता है तथा महिला की बहन रामगढ़िया में रहती है। सुमन की मांग है कि उसे उनके बच्चों से मिलाया जाए और उसके पुत्र के नाम दर्ज 2.5 बीघा जमीन उसके नाम करवाई जाए। तो खबर जालौर के आहोर से, जहां भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दुर्घटना बीमा क्लेम में 20 लाख रुपए का चेक मृतक के परिजनों को दिया गया। बताया कि कमला देवी सुगालिया जोधा के पति भीमाराम की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसका आहोर SBI बैंक में दुर्घटना बीमा बचत खाता था, जिसमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का वार्षिक प्रीमियम 1,000 रुपये भुगतान हुआ था, जिसमें खाताधारक की पत्नी कमला देवी को भारतीय स्टेट बैंक के सहायक प्रबंधक राजेंद्र कुमार गोयल द्वारा 20 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। वह अन्य लोगों को भी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक आहोर व UR मीणा सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। तो जयपुर में CNRC व NPR को लेकर राजस्थान के 40 दल एक प्लेटफॉर्म पर आए। गुरुवार 9 जनवरी को शहीद स्मारक पर विशाल धरना आयोजित भी होगा। धरना सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चलेगा। 3 बजे शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक शांति पैदल मार्च किया जाएगा। अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष दशरथ सिंह होनुनिया ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा CNRC और NPR जैसे बिलों की जनता का ध्यान भटकाने के लिए पास किया गया। 8 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रधानमंत्री के नाम एक चार्टर पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि OBC की जातिवार जनगणना होनी चाहिए और जैसे SC ST का बजट हेड बनता है, उसी तरह OBC के लिए भी बजट हेड बनना चाहिए। दलित मुस्लिम एकता मंच के अब्दुल लतीफ आर्को ने कहा कि केंद्र सरकार बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए CNRC और NPR जैसे बिल जनता के सामने पेश कर रही है, जिसे जनता का ध्यान महंगाई और बेरोजगारी से भटका सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं BJP नया मुद्दा छोड़ती है, जिससे हिंदू वोट एकजुट होकर, परंतु अब जनता उनकी पॉलिसी को समझ चुकी है। NRC भी होगी, CAA भी लगेगा और ये NPR भी जो है होगी, तो ये सारे के सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से हमें भय पैदा करने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए आज ये तकरीबन 40 संगठनों ने मिलकर के ये जो है विशाल एक संगठन आंदोलन के रूप में वहाँ मीटिंग होगी और उसके बाद कलेक्ट्री में जाकर के हम लोग ये देंगे। इसलिए हम आपसे माध्यम से ये चाहते हैं कि लोगों को इसमें, जो भी इसमें शिरकत करने आए, वो पीसफुल तरीके से कलेक्ट्री तक जाएं। हमें इस माहौल के अंदर कभी भी हमें इसको पीस ख़त्म नहीं होने देना है। सबको शांतिपूर्वक तरीके से खामोशी के साथ कलेक्टर तक पहुँच कर और कलेक्टर को बाद में हम ज्ञापन देंगे।
से एससी एसटी का बजट हेड बनता है, माइनॉरिटी का बजट हेड बनता है, उसी प्रकार से जो बजट जो बनता है तो बजट में ओबीसी का भी बजट हेड बने और उनके लिए भी जो है कुछ प्लान और पॉलिसीज बने। तो इन जो चारों जो मुद्दे हैं उनको हम साथ में जो लेकर हैं वो हम हैं वो चल रहे हैं। और क्या करेंगे 9 तारीख को? 8 तारीख को हम जिला मुख्यालयों के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम से हम चार्टर दे रहे हैं, और जो है 9 तारीख को राजस्थान लेवल पर प्रदेश व्यापी जो है वो आंदोलन होगा। हालांकि ये प्रदेश व्यापी है लेकिन प्रदेश व्यापी आंदोलन जयपुर में यहाँ पर शहीद स्मारक से जो कलेक्ट ये जयपुर में यूनिवर्ल्ड में राजस्थान के यूनिफॉर्म विक्रेता फैब्रिक कंपनियां और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस आयोजन के बारे में विमल सराफ ने बताया कि इस मेले में पहली बार फैब्रिक कंपनी यूनिफॉर्म के होलसेल व रिटेल के व्यापारी और कारीगर एक मंच पर आएंगे और प्रदेश में रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी। यह पहली बार यूनिफॉर्म टेक्सटाइल मेला 11 से 12 जनवरी तक ईपी में आयोजित होगा। किस तरह का आयोजन भाई साहब? ये एक यूनिफॉर्म गारमेंट और फैब्रिक का एक फेयर लगा रहे हैं हम लोग जयपुर में। इसमें यूनिफॉर्म के क्षेत्र में जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई वेराइटियां आ रही है, लोगों को जिनके यहाँ यूनिफॉर्म लगती है उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए बेहतरीन यूनिफॉर्म देने के लिए हम लोगों ने तमाम यूनिफॉर्म फैब्रिक के निर्माताओं को आमंत्रित किया है और तमाम फैब्रिक निर्माता और गारमेंटर बड़े उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं। जयपुर शहर के 3 कोचिंग सेंटर सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग देंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर ने ऐलान किया। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट हुए विद्यार्थियों को उन्हें प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर नवाजा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी स्कूल विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग दी जाएगी। उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को धमकी देती है, 356 लगाकर सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर केंद्र सरकार को मालूम होना चाहिए कि बीजेपी की खुद की सरकार गुजरात में हेलमेट को हटा दिया और हरियाणा भी उसी एक्ट में नहीं मान रहा है, यहाँ एक सिर्फ दोहरी नीति है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक्ट में संशोधन करके ही लागू किया जाएगा, इससे पहले लागू नहीं किया जाएगा। राजस्थान की सरकार अच्छे काम करने वाले सब कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी, सबके साथ हम खड़े हैं। हम तो चाहते हैं राजस्थान एजुकेशन हब बने और लोग, पूरे देश के लोग राजस्थान पे भरोसा करते हैं। अभी अब की बात, जयपुर में बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कोटा में चल रहे हैं, सीकर में चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े अच्छे रिजल्ट इनके आ रहे हैं, हर एग्जाम में हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनको बधाई और शुभकामना देता हूँ। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट का जहाँ तक सवाल है, एक बात आप समझिए, इस देश में भारत की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार, सब सरकार भारत के संविधान के अनुसार चलती है। लेकिन जिस तरह की भाषा काम में ले रही है भारत की सरकार, वो आश्चर्यजनक है। राज्यों के अधिकार तय है भारत के संविधान में, केंद्र के अधिकार तय है। आपने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया, आपकी सरकारों ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट नहीं माना, गुजरात की सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट नहीं माना, गुजरात की सरकार ने हेलमेट हटा दिया, हरियाणा की सरकार ने नहीं माना। आप हमको धमकी दे रहे हैं धारा 356 के तहत हम स्टेट गवर्नमेंट्स को बर्खास्त कर देंगे। ऐसे कोई सरकारें बनती कानून के अनुसार है, चलती कानून के अनुसार है। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट लागू करेंगे, लेकिन जो अधिकार राज्य सरकारों को हैं सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में पेनल्टी कम करने के, वो हम करेंगे। क्योंकि जो जिस मोटरसाइकिल की कीमत 3-4 हजार रुपये गरीब खरीद कर ले जाता है, उससे आप 25 हजार रुपये पेनल्टी लेना चाहते हैं। जिस कार की कीमत 20 हजार रुपये है सेकेंड हैंड कार की, आप उससे 50 हजार रुपये पेनल्टी लेना चाहते हैं। मारोगे लोगों को। आर्थिक मंदी का दौर है, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जबरदस्त हालात खराब है। आपका डर, आपकी इच्छा, आपका गुस्सा कहीं और है और कहीं और निकालना चाहते हैं। आप साबित करना चाहते हैं कि यदि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट कोई नहीं मानेगा तो हम धारा 356 लगा देंगे। आप किस भाषा में क्या बात कर रहे हैं? आप झगड़ा कुछ और है, क्योंकि अभी जो NRC का, CAA का, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो मामला चला, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो बयान दिए, उसके बाद आप ये साबित करना चाहते हैं कि केंद्र के हर कानून को मानना राज्य सरकार की जिम्मेदारी। तो राज्य सरकार ये समझती है, ये देश आपसी विश्वास और समन्वय से चलता है, ये देश भाईचारे और प्रेम से चलता है। केंद्र में यदि बीजेपी की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो आपस में बैठकर बात करके
जनहित में फैसले लेने से लोकतंत्र मजबूत होता है। ऐसे मजबूत नहीं होता आप धमकी देके राजस्थान या देश को चलाना चाहते हैं। हम ना धमकी से डरते हैं, हम कानून की प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं। उसी कानून की प्रक्रिया में पेनल्टी कम करके हम सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करेंगे।